अपना डेट टू कंप्लीट हुआ, डेट टू कंप्लीट हमारा साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, पूरा का पूरा लिखना पढ़ना वाला टेस्ट होता है। डे थ्री जैसे मैं बताया तुम लोगों को जीटीओ टेस्ट, मतलब पूरा ग्राउंड वाले टेस्ट, ठीक है। तो ग्राउंड वाले टेस्ट में तुम लोगों को व्हाइट ड्रेस में रहना है, व्हाइट ड्रेस शू, और जो पीटी ड्रेस रहता है ना लगभग वही टाइप का, आपको पूरा बंद करके जाना है। आपका सेम वही होगा, सुबह कॉल अप होगा आपका, देखा जाएगा कि आप पूरा डिसिप्लिन हो कि नहीं, आपके बियर्ड वगैरह ट्रिम्ड है कि नहीं, आपके हेयर ट्रिम्ड है कि नहीं। उसके बाद आपका कॉल अप, और कॉल अप के बाद आपको सीधे दौड़ाते दौड़ाते ग्राउंड गए वहाँ पे। तो ग्राउंड में जो है आपको फिर रनिंग वनिंग करवाएंगे जब तक कि जी टी ओ सर ना आए। जी टी ओ सर आए, जैसे जी टी ओ सर आते हैं एक मिनट वेस्ट होता है, तुरंत आप लोगों को जी टी रूम ले जाया जाता है। जी टी रूम में आप लोग को 3 या 4 25 लोग तक 3 या 4 लोगों में बांट दिया जाता है ना। तो 5 सिटी में बच जाती है टोटल ऐसी। 5 टीमों को क्या किया जाता है कि अलग अलग रूम में, जी टी रूम बहुत सारे आते हैं, अलग अलग रूम में बैठाया जाता है। और जो है आपके सामने में एक चिट रखते हैं, चिट में से आपको उठाना है। उस चिट में 3 टॉपिक रहे, 3 टॉपिक में आपको चुनना है कि आपको कौन से टॉपिक में जो है डिस्कशन करना है, ग्रुप डिस्कशन करना है। उसके बाद आपको अपने अपने पॉइंट्स रखने हैं, नेगेटिव पॉइंट पॉजिटिव पॉइंट। उसमें जरूरी नहीं सबकी सहमति ना भी रहे चलेगा, रहे तब भी चलेगा, आपको सिर्फ बोलना ना। तो लोग मैक्सिमम बोलने का ट्राई करते हैं ताकि उन लोगों को पॉइंट ज़्यादा मिले। फिर ऐसे करते हो 4-5 GD के टॉपिक्स में, 4-5 टॉपिक्स में पूरा ग्रुप डिस्कशन करना है। उसके बाद आपको जो है फाइनली GTO जो रहेगा वो कुछ क्वेश्चंस पूछेगा GD के ऊपर, ठीक है। जिस भी बंदे से उसको डाउट है, जिसका टॉपिक क्लियर ना हो उसको, वो उस आदमी से पूछेगा कि आप क्या बोलना चाहते हैं इस टॉपिक में। तो वो आदमी फिर से उसको बताएगा सर मैं ये बोलना चाह रहा था, उसको समझ में आ जाएगा ओके थैंक यू। उसके बाद आपका GD हुआ, GD के तुरंत बाद आपको दूसरा रूम में ले जाया जाएगा, तुरंत बोला जाएगा तुरंत गेट अप एंड कम टू द नेक्स्ट रूम। उस रूम में ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज होती है, GPE का मतलब होता है ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज। और ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज क्या होती है, आपको जो है एक मैप दिखाया जाता है बड़ा सा, इतना बड़ा लगभग थर्माकोल वगैरह बनाए रहते हैं उस मैप में। मैप देखा था आर्मी वर्मी का, तो आर्मी मैप में क्या रहता है, पूरा माउंटेन वाउंटेन बने रहते हैं, नदी बनी रहती है, और ये घर है, ये मेडिकल फैसिलिटी है, पूरा मैप। और आपको जो है एक प्रॉब्लम दिया जाता है, ठीक है, पूरा ग्रुप रहेगा आपका, तो प्रॉब्लम दिया जाता है। जैसे सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट था ना, सेम वैसे टाइप का, कि आपको जो है एक शादी अटेंड करनी है और 7 साल में आपकी एनिवर्सरी भी है, और आपको ये शादी यहाँ इतने बजे तक अटेंड करनी है, फिर आपके यूनिवर्सिटी आपको रिटर्न भी आना है, और आपके पास जो है आपकी गाड़ी खराब हो चुकी है और आपके पास जाने कोई साधन नहीं है, और जहाँ आप जा रहे हो उसके पास में वो पूरा गाँव वाले हैं, ये पूरा बताया जाता है। और फिर मैप दिखाया जाता है, इस मैप में ये जो घर है, ये नदी है, आप यहाँ से यहाँ तक जाओगे आपका ये रास्ता पड़ेगा, और इस रास्ते में ये दुकानें हैं, आपको जो है बताना है कि यहाँ से आप कैसे टाइम मैनेज करोगे और आप कैसे इस चीज़ को कम्प्लीट करेंगे। तो आपको क्या शीट दे दीजिए पेपर, आपको जो है पहले वहाँ पे लिखना है उस शीट में पूरा कि मैं कैसे प्लानिंग करूँगा, कैसे इस यहाँ से वहाँ जाऊँगा, टोटल आपको वहाँ पे उस पर नोट करना है। नोट करने के बाद उसको आपको सबमिट कर देना GTO, जैसे सबमिट किए फिर GTO बोलेगा कि अब आप लोग बताइए सब ग्रुप में कि ये जो प्रॉब्लम आपके सामने आ रही है इसको मैप के साथ कैसे सॉल्व करें। तो आप लोग को डिस्कशन कुछ नहीं करना, खाली अपना राय देना है कि ऐसा ऐसे कर सकते हैं सर, वो पहले यहाँ से यहाँ ये जब कर सकता है, या अपने दोस्त को बोल सकता है कि तू थोड़ा सा यहाँ पे रह ले, मैं नहीं आ सकता करके, या फिर कुछ कुछ आपको सजेशन दे दें टास्क में, ठीक है। फिर उसके बाद होगा ग्रुप प्लानिंग टास्क होगा, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज के बाद जो है आप लोग को ले जाया जाता है PGT में। PGT का मतलब होता है प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क। प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क में आप जैसे टोटल 25 लोग हो ना, 25 लोगों का मैच है, तो 25 लोगों को क्या किया जाता है कि ग्रुप में फिर से बांट जाता है, ठीक है। 2 या 3 ग्रुप बनते हैं मैक्सिमम, ज़्यादा ज़्यादा 2 बन जाते हैं, 3 बन जाते हैं। उसमें क्या रहता है आपका टोटल 4 टास्क रहेंगे प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, 4 टास्क इसके अंदर में। और 4 टास्क ऐसे रहेंगे आपको, मतलब एक स्टार्ट लाइन रहेगी और एक एंड लाइन रहेगी, उसके बीच में 4 ऑब्स्टेकल्स रहेंगे। ऑब्स्टेकल मतलब समझते हो, कुछ भी रास्ते में आपको परेशानी आ जाएगी, जैसे यहाँ से यहाँ पहाड़ है, यहाँ से यहाँ पे नदी है, और यहाँ पे बॉम्ब रखा हुआ है, आपको ऐसे डिफ्यूज करना है इसको, और प्लस आप यहाँ पे नहीं उतर सकते, यहाँ पे नहीं खड़े रह सकते, आपको फिर भी यहाँ से वहाँ पार करना है, ठीक है। यूट्यूब वगैरह सर्च करोगे ना तो कई है चैनल्स बता देते हैं इस बारे में। तो आपको स्टार्ट लाइन एंड लाइन 4 टास्क को करना है, और ग्रुप रहेगा पूरा, और आपको जो है कुछ हेल्पिंग मटेरियल दे देंगे, जैसे बल्ली, रस्सी, प्लैंक, ये सारी चीज़ें आपको दे दी जाएंगी, बोला जाएगा इनके मदद से आप क्या करो इन टास्क को, 4 टास्क को पार कर। तो आपको जो पहला टास्क पार किया उसके बाद चलो दूसरा, उसके बाद तीसरा, उसके बाद चौथा, टोटल 4 टास्क, और पूरी ग्रुप है। तो पूरे ग्रुप वाले जो है, और आपको बोला जाएगा कि पेंटिंग किए रहते हैं बीच बीच में, मतलब कुछ कुछ बनाए रहते हैं, DRDO बनाता है इसको पूरा, मतलब क्या टेस्ट लिया जाए, और पूरी पेंटिंग रहती है रेड ब्लू वाइट। तो बोला जाता है वाइट जो ग्राउंड है, वाइट कलर जहाँ पर गिरेगा वहाँ पर आप जा सकते हो, अपना सामान भी रख सकते हो, और जो रेड एरिया रहेगा वहाँ पर आप भी नहीं जा सकते, अपना सामान भी ले सकते हो।
ब्लू एरिया में आप रह सकते हो लेकिन आपका सामान नहीं रह सकता। तो सामान में एक बॉम्ब भी रहता है। बॉम्ब क्या रहता है कि पूरा बहुत वजन का एक डब्बा रहता है, उस वजनदार डब्बे को जो है एक आदमी कैरी करता है। टोटल 5 या 6 लोग रहते हैं, ठीक है, और 5 या 6 लोग क्या करते हैं पूरा सजेशन देते हैं आपका, ठीक है, कि मतलब हम इस ग्रुप इस टास्क को कैसे पार करें। और सजेशन में बोलेंगे, जैसे कोई रहेगा बोलेगा कि हम यहाँ क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ पे इस पत्थर से उस पत्थर में एक प्लैंक लगाते हैं, इस प्लैंक में सभी चढ़ जाते हैं, क्योंकि नीचे में पूरा रेड एरिया है, नीचे में समुंदर बोल देते हैं, नीचे में तुम खड़े नहीं हो सकते, तुमको सिर्फ सफ़ेद जगह पे खड़े होना है और तुम्हारा सामान भी रखना और तुम नीचे में भी खड़े जाओ। तो कुछ प्लानिंग बताएंगे कि हम यहाँ से यहाँ पे रस्सी बांध सकते हैं, प्लैंक रख सकते हैं, बल्ली रख सकते हैं, उसके बाद यहाँ पहुँचे, फिर वहाँ से ऐसे करें। तो आपको पूरा सभी की मदद के साथ अच्छे लीडरशिप दिखाते हुए इस टास्क को पूरा कम्प्लीट करना। जैसे टास्क 4 टास्क कंप्लीट हुए उसके बाद आपको आपको जीओआर का मतलब होता है ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस। ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस एकदम मजेदार होता है, इसमें करीब आपको 5 या 6 रेस होती है, उसमें क्या करते हैं आपको पूरे ग्रुप में दौड़ना है, दौड़ते हैं आपको जो है एक लंबा सा जो है रस्सी का मोटा सा, उसको स्नेक बोलते हैं, वो अपने लैंग्वेज में स्नेक बोलते हैं, मोटा सा रस्सी का वो रहता है, मतलब गद्दा गद्दे बना हुआ रहता है, उसको सभी को ग्रुप के आपके 2 ग्रुप में बांट देंगे आपको 25 लोग, ठीक है, सभी को आपको उसको पकड़ के रखना है, कोई भी छोड़ेगा नहीं, बोलते हैं इस रेस के दौरान। एक्चुअली में ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस एक रेस होती है, मतलब यहाँ से यहाँ आपको दौड़ना है, जैसे मान लो यहाँ से यहाँ तक आपको दौड़ना है, बीच बीच में आपको कुछ कुछ मिलेंगे, जैसे दीवार मिलेगी, यहाँ पे रस्सी लगा रहेगा, स्पाइडर वेब बोलते हैं इसको, स्पाइडर लाइन, यहाँ पे जो आपको चढ़ना है, फिर इसको यहाँ से उतरना, कमांडो वॉक बोलते हैं इसको, फिर आपको जो है कुछ कुछ करना है, यहाँ से आप कूदना है सबको, ये सारी चीज़ें आपको करनी रहती है, ठीक है। जैसे आप रस्सी लिए सब ग्रुप में, और कोई भी रस्सी छोड़ नहीं सकते, जितने ग्रुप के मेंबर्स हो ना आप 2 ग्रुप में बांट दिए, आपको जितने भी आप ग्रुप के मेंबर्स हो आपको जो है रस्सी छोड़ना नहीं, और दो टीम के बीच में कॉम्पिटिशन एक्चुअली होता है कि कौन रस्सी पकड़े पकड़े सबसे पहले एंड लाइन पहुँचते हैं, और जीतो जो है देखते रहता सभी को, ठीक है। तो हमको सबको ग्रुप में सबसे पहले तो रस्सी सबको पकड़ के रहे, कोई छोड़ेगा तो -1 ग्रुप का पकड़े पकड़े, जैसे दीवार में गए तो दीवार में जो पतला आदमी ऊपर गया रस्सी पकड़े पकड़े, ठीक है, तो रस्सी पकड़े पकड़े ऊपर गया, फिर कोई मोटा आदमी चढ़ नहीं पा रहा तो उसको हेल्प करना है, तो हम लोग कहीं एक मोटा था, बहुत मोटा, हम लोग तो बोले हम हारी जाएंगे उससे, हमने तो क्या किए कि हम लोग एकदम नीचे से उसको 2 लोग ऐसे धक्का दे रहे हैं, ऊपर से 2 लोग उसको दीवार में से खींच रहे हैं, तो जीटीओ भी देख देख के हाथ रहा था सर, उसको फिर जबरदस्ती खींचे और बोले भाई तू इधर कूद, क्योंकि देर को पकड़ के जल्दी छोड़ना नहीं है, छोड़ दोगे तो भाई रस्सी को छोड़ देगा, तू बढ़ ही नहीं सकता आगे, तो सभी को लेके चल रहा साथ में, फिर ये चलने वाला था स्पाइडर वे बोलते स्पाइडर क्रॉल बोलते इसको, यहाँ रस्सी थी पूरी, ऐसे चढ़ो फिर ऐसे उतरो, फिर यहाँ पे कुछ चढ़ने का था मतलब ऐसे लगा हुआ था कमांडो वॉक टाइप का, उसमें ऊपर में ऐसे बैलेंस करते करते चढ़ो, फिर फाइनली जो है वो लोग अनाउंस करते जीटीओ कि ये ग्रुप जीत चुका है, ठीक है, अनाउंस कर। और इस दौरान जो है ना आपको बोला जाता है कि आप अपना ग्रुप का कोई वॉर क्राई करो, वॉर क्राई जैसे जय शिवाजी करो या मरो या फिर ऐसे कुछ भी आप बना सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। तो हम लोग का ना वो था कमांड मुश्किल वक्त कमांडो से, तो हम लोग वही बोल के पूरा दौड़ दौड़ के चढ़ रहे थे, ऐसे करके हमारा टीम हार गया था, हालांकि मोटू कह रहा हूँ, फिर फाइनल जो है ये लोग रिजल्ट सुनाते हैं कि ये टीम जीत चुकी है, लेकिन वहाँ पे ना आपका इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन मैटर करता है, मतलब आप ग्रुप में मान लो आप बोल रहे हो जैसे कोई था आपका वीक वाला टीम, ठीक है, तो उसका तो माइनस उसको मिलेगा ही, फिजिकल नहीं है करके उसका, मोटू है तो उसको मिलेगा ही माइनस, भाई तुम आर्मी में जा रहे हो तुम हैरत नहीं, लेकिन मान लो उसको तुम छोड़ दे रहे हो तो अच्छा लीडर क्या होता है कि सबको साथ ले जाता है, भले कोई परेशानी सॉल्व करता है, तो छोड़ दे रहे हो तुम उसको चिल्ला रहे हो कि तुम ऐसा चढ़ नहीं पा रहा है ऐसा है वैसा है, कई लोग ऐसा भी करते हैं, ये भी है वहाँ पे, तो वो जीटीओ क्या देखेगा, भले तुम्हारे में ताकत है सब है दिमाग भी है लेकिन तुमको माइनस मार्क मिले, तुम अच्छे लीडर नहीं हो वहाँ, तो ये सब चीज़ें सोच के मतलब चलनी रहती है हर चीज़। उसकी जस्ट बात ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस के बाद आपका होता है इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल, ये मजेदार है ये, क्योंकि ना आपका अकेले का है, ये बाकी सब तो ग्रुप में हो रहे थे, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल टोटल 11 ऑब्स्टिकल्स रहती है, सॉरी 10 ऑब्स्टिकल्स रहती है, और आपको इंडिविजुअली मतलब 10 ऑब्स्टिकल्स ग्राउंड में आपको अरेंज करते रहेंगे, मतलब यहाँ से यहाँ टाइगर लीप फिर रस्सी में चढ़ना कूदना ये करके टोटल 10 ऑब्स्टिकल अरेंज रहेंगे, और आपको 3 मिनट का सिर्फ 3 मिनट का टाइम रहेगा 10 के 10 कंप्लीट करें, और 10 के 10 का अलग अलग मार्किंग रहता है, मतलब अगर आप इसको कर ले रहे तो आपको 1 मार्क, इसको करोगे 2 मार्क, इसको करोगे 3 मार्क, इसको करोगे 10 मार्क, और आप मान लो आप 10 के 10 कर लिए, ठीक है, फिर भी समय बचा है तो आप उनको रिपीट कर सकते हो तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेगा, और सबसे बेस्ट यही होता है मालूम, क्योंकि इसमें आपको डायरेक्ट पॉइंट्स रहते हैं, डायरेक्ट पॉइंट आपके जैसे 300-400 मार्क्स का होगा ना 600 मार्क्स जैसे वो हो रहा था आपका एसएस भी, तो उसमें आपके यहाँ से डायरेक्ट आप पॉइंट उठा सकते हो, 10 मार्क है तो सभी के अपने अपने नंबरिंग रहती है 1 से लेकर 10 तक की, सबको आप जोड़ लो 1 से लेकर 10 तक, उसके बाद आप टाइम बचता है और कर ले रहे हो 12-13 टास्क कर लिए,
तो फिर आपको वो प्लस पॉइंट है ना। और मान लो आप दिमाग लगा रहे ज्यादा कि 10 है, 10 टास्क और 10 के सबके अलग अलग नंबर, ये एक ही नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 10 है, तो आप बोलोगे कि 10 वाले को मैं दो तीन बार कर ले, तो ऐसा नहीं होता। जब तक आप 10 के 10 कंप्लीट ना करो आप उसको रिटर्न नहीं कर सकते दो बार, समझे। तो आपको पहले 10 कंप्लीट करे उसके बाद आप 10 वाले को चार बार भी करो आपको 40 मार्क्स मिले, तो बहुत बेस्ट है पता है एक तरीके से। तो इसमें कौन कर पाएंगे, जो फिजिकली फिट है ना वही लोग आराम से कर पाएंगे तुरंत स्टेमिना के साथ। और स्टेमिना के साथ दिमाग भी जरूरत है, क्योंकि ना टास्क इधर उधर बिखरे हैं। तो मेरा क्या हुआ, मैं पहली बार किया था तो मैं समझ ही नहीं आता, जैसे मैं उतरा ना मैं समझ नहीं आता, पहले इसको करूँ कि इसको करूँ, इसमें अगर पहले जाता हूँ तो मैं जो उसमें फिर थक जाऊँगा उसके लिए, इसमें जो करूँगा। कई लोग ईजी रहते हैं, चलने वाले रहते हैं, कई लोग जो है बैलेंस वाले रहते हैं, जैसे झिकझैक वॉक टाइप के, तो ये बने रहते हैं अलग अलग 10 टास्क रहते हैं टोटल। तो दिमाग वहाँ पर लगता है कि इंसान कैसे टाइम मैनेज करे 3 मिनट और 3 मिनट में कैसे सब टास्क करे। तो मैं सिर्फ 9 टास्क कर पाया था, और एक मेरा एक दोस्त था उसका 7th रैंक आया इंडिया में, वो 16 टास्क किया था उसमें। मैं समझ नहीं पाया 16 टास्क कैसे कर दिया, क्योंकि उसमें नहीं समझ में आता 10 टास्क हैं 3 मिनट में, तो वो प्रैक्टिस रहेगी जिसकी इस टास्क को करने के लिए वो बेहतर तरीके से करता है, ये मैं समझ रहा हूँ। और उनका ग्राउंड पूरा बिखरा हुआ रहता है, मतलब कोई टास्क इधर कोई टास्क इधर, कई बार ये होता है कि इंसान जोश में रहता है भूल जाता है, अरे यार कौन सा टास्क मैं भूल चुका हूँ। तो मेरा तो 2-3 मिनट इसमें चला गया, मैं भूल रहा था कि ये टास्क कर चुका हूँ, इसमें आ रहा हूँ तो देख रहा हूँ ये तो कर चुका हूँ यार, मैं रिटर्न कर नहीं सकता इसको, फिर देख रहा हूँ कौन सा नया बच गया है मेरा छूट गया है उसको देख रहा हूँ। तो दिमाग में पूरा छपा हुआ होना चाहिए, क्योंकि लोग बोल देते हैं पहले कि आप जो है निरीक्षण कर सकते हो इस बात कहाँ पे कौन सा टास्क है, तो उस टाइम पे जिसका दिमाग काम किया ना तो उसके लिए बेहतर है, नहीं किया तो फिर उस पर टाइम वेस्ट ही है। और यहाँ पे कम टास्क है इंडिविजुअल, इसके बाद आपका होता है ग्रुप ऑब्स्टिकल, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल, इसके बाद आपका होता है हाफ ग्रुप टास्क। हाफ ग्रुप टास्क में देखो ये जो पीजीटी था प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, तो इसमें टोटल सभी थे, पूरे ग्रुप थे रैली कर रहे थे, तो हाफ ग्रुप टास्क में आपको ग्रुप को आधा बांट दिया जाता है, ताकि आप मान लो कोई अच्छा सजेशन दे रहे हो टास्क कंप्लीट करने के लिए तो आप उसको फिर से अच्छे से दे पाओ, क्योंकि कम लोग रहेंगे तो ज्यादा आवाज आपकी बुलंद रहेगी ना, ज्यादा लोग रहेंगे तो जो इंटेलिजेंट है खाली वही बोलेगा, बाकी चुप रहेंगे ना मौन, खाली बोलता जाएगा भाई इसको दे उसको सपोर्ट कर, तो तुम करते जाओगे ऐसे थोड़ी, सबको अपना वॉइस देना है, इसलिए यहाँ पे हाफ कर देते हैं ग्रुप को और फिर से वही वाला टास्क करवाते हैं। तो यही वाला टास्क जैसे हुआ हाफ ग्रुप टास्क में सबका फिर से सजेशन हुआ, सब काम हुआ, उसके बाद होता है आपका कमांड टास्क, सीटी बोलते हैं जो कमांड टास्क। कमांड टास्क में क्या होता है, आपको जो है बुलाया जाता है सबको जो है वेटिंग शिप में दे देते तुरंत से, ताकि आप कह रहे थे इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल के बाद, तो कई लोग चोट उठना क्या रहता है मेरा छिल गया था घुटना, तो फिर मेडिकल टीम आती है वो पूरा अपना करती है मतलब साफ ऑफ करती है, बैंडेज वेंडेज लगा देती है, उसके बाद आपको जो है बैठाया जाता है, थोड़ी देर रेस्ट करो पानी नहीं पियो, पानी नहीं पीने के बाद आप लोग को बुलाया जाता है HGT हाफ ग्रुप टास्क। हाफ ग्रुप टास्क में ज़्यादा मेहनत नहीं, उसके बाद जो है होता है आपका कमांड टास्क। कमांड टास्क में आपको जो है वेटिंग सीट में बुला भेज देते हैं बैठने के लिए, उसके बाद आपको एक एक करके बुलाया जाता है। आप GTO जो है ना नॉर्मल वॉक करेगा यहाँ से वहाँ तक, बोलेगा चल यहाँ से वहाँ तक चल के आते हैं बात करते हैं, तो आपसे जैसे दोस्त लोग नहीं वॉक करते गार्डन वार्डन में, ऐसे ही वॉक करता है एक साथ में ऐसे हाथ डाल के पॉकेट में और चश्मा पहने रहता है एकदम स्टाइल में, और फिर बस पूछता है नॉर्मल कि कहाँ से हो, तो फिर बताएंगे यहाँ यहाँ से, तो फिर बोलता हूँ मौसम कैसा है वहाँ पे, क्या क्या खाने वाने का है वहाँ पे, और यहाँ अच्छा लग रहा है कि नहीं वहाँ से, ये नॉर्मल बातें, और घर में कैसा माहौल है, ये सारी नॉर्मल बातें करेगा वो, लेकिन आपको सोच समझ के उसका जवाब देना है हर चीज़ का, ठीक है। उसके बाद आपको बोलता है, फिर बाद में आपको वापस लाएगा, वापस लाने के बाद आपको बोलेगा नाउ यू आर द कमांडर, बोलते बोलेगा अरे मैं कमांडर नाउ कॉल योर सबॉर्डिनेट बोलेगा, मतलब दो आपको अपने फ्रेंड्स को बुलाना है और उन फ्रेंड्स को सबॉर्डिनेट मतलब कि उनको आपको कमांड देना है एज ए कमांडर। जो ये टास्क था ना प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, यहाँ पे क्या था हम लोग को स्टार्ट लाइन से एंड लाइन तक प्लानिंग करके पार करना था, उसको दिए हुए थे बॉम्ब, तो यहाँ पे जो है चार एक्सरसाइज, चार की जगह यहाँ पे एक ही रहता है, ठीक है, इसमें कमांड टास्क में, और एक जो है आपको बोले जाएगा आप कमांडर हो, आपको जो है एक ही टास्क कंप्लीट करना है, लेकिन आपको सब ऑर्डिनेट से आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ कमांड देना, समझे। तो आपको आप जो भी दो आपके दोस्त रहेंगे अच्छे उनका बुलाओगे, जो आपको सोचना है पहले कि मेरे जो टास्क पहले आपको टास्क बता दिए रहेगा कि ये टास्क है आपको यहाँ से यहाँ तक जाना है, अब आप अपना दिमाग लगाओ और जो भी इस काम के लिए बेहतर आपको लगे आपके दोस्तों में से आप उसको बुलाओ, तब आप सोचोगे कि यहाँ पे अगर ज़्यादा ताकत की जरूरत है इस टास्क में तो मैं जो ताकतवर होगा उसको बुलाऊंगा, बच्चे टाइप का इंसान क्यों बुलाऊंगा, और जब अगर दिमाग की जरूरत है दिमाग वाले को बुलाऊंगा, है ना। तो क्या होता है कि ये बात ना रात में डिसाइड हो जाती है कौन किसको बुलाएगा समझे। तो मतलब ऐसा रहता है कि कई लोग को कोई नहीं बुलाता, 2-3 हज़ार लोग कोई नहीं बुलाया, और मेरे को जो दो बार बुलाए थे दो लोग, ठीक है। तो
ये भी रहता है ना, मान लो तुमको ज्यादा लोग ज्यादा बार बुला रहे, मतलब तुम्हारे ऊपर ज्यादा विश्वास कर रहे हैं लोग, तो ये भी प्लस पॉइंट देता है लोग, मतलब कई चीजों में तुम लोग को प्लस पॉइंट देता है। फिर आप बुलाएगा, आप जो है दो लोग को बुलाओगे, चेस्ट नंबर ये चेस्ट नंबर वो, प्लीज यहाँ पे आओ मेरा हेल्प करो, वो आएंगे दौड़ के, ठीक है। वो कुछ नहीं बोलेंगे, वो पूरा बोलना आपको है, वो सिर्फ करते जाएंगे, आप वो अपना दिमाग भी नहीं लगा सकते वहाँ। जैसे कोई आप बोल रहे हो ठीक है कि यहाँ से यहाँ पार करना है, तो एक काम करते हैं रस्सी नीचे टिका देते हैं और फिर यहाँ पे प्लैंक लगा के कूद जाते हैं, तो उनके दिमाग में आ रहा होगा नहीं यार रस्सी नीचे नहीं है रस्सी ऊपर बांधते, लेकिन फिर भी नहीं बोल सकते, आप जो बोलो उनको करना है चुपचाप से। तो आप बोलोगे कि ये करते करो, फिर मान लो टास्क आपका कंप्लीट हो गया तो आपको अच्छा है, तारीफ करेगा वीडियो, नहीं बना तो वो फिर आपको थैंक यू बोल देगा, चले जाओ माइनस मार्किंग। तो मेरा जो टास्क था मेरे टाइम में जिसको देखो बुलाया था, तो हमारा टास्क हो गया था कंप्लीट मेरा वाला, और दो लोग जो मेरे को बुलाए थे ना, तो उनमें से एक का हुआ था, एक जो है दिमागी नहीं लगा पा रहा था, मेरे पास ज़्यादा अच्छा दिमाग आ रहा था उससे, तो हम लोग जो है उसका बेचारे का नहीं हुआ, तो इससे थोड़ा उदास टाइप का हो गया था। उसके जस्ट बाद जो सभी का ऐसा होता है एक एक करके, जिसमें भी टाइम जाता है, कमांड टास्क के जस्ट बाद जो है कमांड टास्क के बाद आपका होता है फाइनल ग्रुप टास्क, FGT। फाइनल ग्रुप टास्क में फिर से 25 से 25 जो बढ़ चुके हैं ना, फिर से उनको बुलाया जाता है, फाइनल वाला लास्ट होता है। इसके बाद होता है कमांड टास्क और लेक्चर। लेक्चर में क्या किया जाता है, ऐसे पोडियम रहेगा, वेटिंग सेट है, उसमें आपको तीन टॉपिक दे दिया, तीन टॉपिक में से आपको चुनना रहेगा कि मुझे किसके बारे में बोलना है, करंट जो टॉपिक रहेंगे, और सब ऐसे सामने बैठे रहेंगे, ठीक है। आपको जाना है वहाँ पे पोडियम में, अपना टॉपिक है, 2 मिनट के अंदर अंदर प्रिपेयर करना उसका, जैसे स्पीच सुने ना स्पीच बोलते रहो, 2 मिनट के अंदर अंदर स्पीच को प्रिपेयर करना है, आपको पता नहीं है टॉपिक क्या है, आपको ऑन द स्पॉट मिलेगा, 2 मिनट में प्रिपेयर करो, प्रिपेयर करने के बाद वहाँ पे जाओ, प्रिपेयर मतलब क्या प्रिपेयर, पेन पेपर कुछ नहीं, आपको बस टॉपिक बता देंगे, आपको साइड में जाना है, 2 मिनट सोचना है इसे, इधर उधर सोचे जो जो बोलना है, सामने में जाओ, वहाँ पे जाकर खड़े होके बोल दो तुरंत, ज़्यादा टाइम नहीं बोलने बोलते, बस 4 मिनट तक बोलो, बेल बजा सकते, बेल बज गया और आप अपना बात कंप्लीट नहीं कर पाए तो आपको माइनस मार, समझे, और बेल बज गया और आप अपना बात कुछ बोल ही नहीं पा रहे, चुप हो गए, तो अभी आपको माइनस मार, मतलब आपको पूरा दिमाग लगा बोलना रहता है कि इतने कम समय में क्या 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 बोलूँ इस टॉपिक के बारे में, ताकि सुनने वाले को भी अच्छा लगे और टाइम पे कंप्लीट हो जाए। तो ये हुआ, इसके बाद लेक्चर के बाद होता है लास्ट में होता है फाइनल ग्रुप टास्क में फिर से एक साथ करते हैं, एक साथ करने के बाद ये एक्चुअली मेरा वार्म अप टाइप रहता है, दिमाग इतना दौड़ा उसके बाद वार्म अप टाइप से, तो इसमें बोला जाता है कि जो PGT का टास्क था इसको जो है एक टास्क रहेगा लंबा सा रहेगा थोड़ा, इसको सब मिलकर करो, तो इसमें क्या है कि इजीली सब हो जाता है, सब अपना अपना आइडिया देते हैं, खत्म। फिर ये होते होते आपका शाम हो जाता है, 5, 6, 7 बज जाते हैं, जैसे बजे उसके बाद सब थके हारे चल भी नहीं पा रहे ऐसे टाइप से लोग, फिर हम जाते हैं उसके बाद पूरा फ्रेश व्रेश होंगे, हाथ धूप धोएंगे, कपड़ा पूरा गंदा मिट्टी विट्टी लगा हुआ है पूरा साफ करेंगे, उसके बाद रात होगी, रात में खाना खाएंगे सो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया Day 3। Day 4 को फिर हमको सुबह बोला जाता है कि Day 4 तुम्हारा रिपोर्टिंग नहीं रहेगा, Day 4 को तुमको जो है सुबह से नहा धो के फॉर्मल ड्रेस पहन के बैठे रहना है, और तुमको जो है इंटरव्यू होगा PI राउंड। तो Day 3 हो गया हमारा GTO, Day 3 के बाद होता है Day 4। Day 4 मतलब PI मतलब पर्सनल इंटरव्यू, ठीक है, पर्सनल इंटरव्यू हमारा जो है एक एक करके इंटरव्यू होता है उसमें, पूरा हमको एक एक करके हमारे चेस्ट नंबर के अनुसार बुलाया जाता है कि ये चेस्ट नंबर के इंसान को इतने बजे आना है, बता दिया जाता है पहले ही, तो आप रेडी रहना और आपको जैसे ही बुलाया जाए आप जो है वहाँ पर पहुँच जाना इंटरव्यू जगह, ठीक है। तो सुबह से हम लोग उस दिन नाश्ता वास्ता करके नहा धो के पूरा सज धज के पूरा फॉर्मल में बैठे हैं, दिल का धड़कन सुबह से तेज है, इधर पूरा लिख लिख के कि ये बोलूंगा ये पूछेगा तो बोलूंगा, सबका एक एक करके चेस्ट नंबर होता जाता, जो आ रहा है उसको पूछेंगे तेरे को क्या पूछा, करंट में क्या पूछ रहे, GK में क्या पूछ रहे, उसके हिसाब से मान कुछ खतरनाक पूछे तो हम भी प्रिपेयर कर लेंगे उसको ऐसे टाइप से, ठीक है। और पूछेंगे कि भाई जो पूछ रहा है उसका मूड कैसा है, मान लो गुस्से में है तो थोड़ा शांति से बात करेंगे, ऐसे पूरा उस दिन पूरा ही रहता है। जैसे मान लो चेस्ट नंबर तुम्हारा आ गया कि अब चेस्ट नंबर मेरा 14 है, 14 तुम्हारा जो है PI होगा, तो मेरा PI जो है दोपहर के बाद होता है खाने के बाद, तो मैं सुबह से बैठा था ऐसे तैयार होकर खाना खाया, उसके बाद जो है मेरा PI राउंड में फिर मेरे बुलाया गया वहाँ पे, तो वहाँ पे भी जो है तुमको बैठाया जाता है आधे घंटे इंतजार करता है, वेटिंग रूम रहता है, वेटिंग रूम में तुम ऑपरेशन थिएटर टाइप का शांत एकदम, और ऊपर में एक काला सा स्क्रीन में आपका चेस्ट नंबर चमकता रहता है रेड कलर में, वो चेस्ट नंबर अगर आपका ग्रीन हो जाता है तो आपको अंदर जाना है, ठीक है। तो देखते रहो चेस्ट नंबर को, फिर जैसे ग्रीन होगा आपको अंदर जाना है, अंदर जैसे गए मैं कभी उन्होंने कुछ नहीं बोला, पहले बोल दिया डायरेक्ट घुसो बैठो, तो
एक टेबल रहता है बड़ा सा टेबल, उसमें अगर आप नए हो ना, तो नए अगर हो तो आपका इंटरव्यू जो है प्रेसिडेंट देगा एसएसबी का, एसएसबी प्रेसिडेंट मतलब ब्रिगेडियर रैंक का ऑफिसर है को बोलेगा। और अगर आप पुराने हो ना तो इंटरव्यूइंग ऑफिसर करके रहते हैं कुछ मेजर रैंक के कैप्टन रैंक के लोग, वो लोग क्या है कि और एक्सपीरियंस रहते हैं तो वो और अच्छे से क्वेश्चन पूछते हैं, और एसएसबी प्रेसिडेंट थोड़ा इजीली क्वेश्चन आता है नॉर्मल, और नए लोगों का एसएसबी प्रेसिडेंट ही लेता है। मेरा एसएसबी प्रेसिडेंट का उसमें रूम में था, एसएसबी प्रेसिडेंट का रूम जैसे घुसा मैं तो सामने में एक चेयर लगी हुई थी, मतलब यहाँ हूँ ना मैं तो ये उसका टेबल है, यहाँ से लेके करीब 10 मीटर समझे, मतलब इस रूम से 10 मीटर तो नहीं बहुत हो जाएगा, मतलब 3 मीटर दूर, तो उसका रूम इतना बड़ा था, करीब 3 मीटर दूर जो चेयर लगी हुई थी और वो इतना दूर बैठा था, मतलब वो आदमी दिख भी जाता, थोड़ी देर मेरे को सेट डाउन होता, मैं थैंक यू सर करके बैठ गया कुर्सी में, बैठने के बाद थोड़ी देर 2 मिनट तक मेरे को ऊपर से नीचे से देखने के बाद फिर वो बाद में नॉर्मल क्वेश्चन पूछा, हाउ आर यू, कैसे गए तुम्हारे बाकी टास्क, मतलब जीटीओ टास्क कैसा गया, उसमें कितना किए, बाकी टास्क कैसे जा रहे हैं, यहाँ पे कैसा लग रहा है, दोस्त बनेगी नहीं, नॉर्मल नॉर्मल जी, मतलब तुम थोड़ा डरे वरे हो तो उस हिसाब से वो तुमको थोड़ा फ्रेंडली हो जाएगा। फिर बोलेगा कि आप अपने बारे में एकदम स्माइल करके, तो आप अपने बारे में बताओगे बताओगे, उसी में से ही आपको क्वेश्चन फिर पूछना चाहता है घुमा फिरा के, और उसके क्वेश्चन डिपेंड करते हैं कि आप कौन सी एंट्री जा रहे हो, मान लो आप एनटीए एंट्री जा रहे हो ना तो आपको थोड़े अच्छे खास लेवल के क्वेश्चन पूछे क्योंकि आप प्रीवियसली एग्जाम निकाल के, और आप टीएस एंट्री जा रहे हो टेक्निकल एंट्री तो आपको इंजीनियर बनना हो टीएम जाके तो आपको इंजीनियर क्वेश्चन पूछे इंजीनियरिंग के, मतलब ये वायर यहाँ से यहाँ कैसे हो जाता है, आप ये क्यों यूज होता है, तो आपको उस हिसाब से आपको प्रिपेयर करना है। और आप सीडीएस से जा रहे हो ना तो आपको ग्रेजुएट लेवल, और अगर लो से भी निकलते कई पोस्ट ठीक है, तो अगर मान लो आप लो से एसएसबी जा रहे हो तो आपको पूरा लो का नॉलेज होना चाहिए, पूरा आपके क्वेश्चन पूरे लो के बेस पे, तो हमारा जो क्वेश्चन था सब एरिया से होना टोटल जेट पूरा पूछना, मतलब रीजनिंग से लेके मेरे बारे में लेके नॉलेज से लेके टोटल क्वेश्चन। तो और टाइमिंग जो रहता है इसके इंटरव्यू पर डिपेंड करता है, अगर तुम्हारा तुमसे अगर सेटिस्फाइड हो आदमी तो तुमको 15 मिनट में मिलेगा, और डिसेटिस्फाइड भी है अगर चाहता है कि तुमको लेना ही नहीं तब भी 15 मिनट समझे, और अगर उसको चाहिए और जाना चाहता तुम्हारे बारे में तो तुम्हारा 2 घंटे तक चल सकते हैं। मेरा जो 45 मिनट चला था मेरे बाद वाला ना चेस्ट नंबर जो है 15 तो RIMC से था, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून से, तो वो जो है बोल रहा था मेरे को कि सबसे लंबा मतलब जहाँ तक का अभी तेरा ही चला है, मैं बैठे बैठे आपसे क्या करें, बोला ऐसा क्या करें, मैं भी कुछ हो गया था। फिर वो इंटरव्यू में नॉर्मल क्वेश्चन रहते जैसे आपका नॉर्मल, फिर बाद में लास्ट में आपको थैंक यू बोल देता है, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, ये सारी चीज़ें बोल के आपको खत्म, उस दिन खत्म डे 4 खत्म अपना ठीक है। डे 4 हमारा इंटरव्यू पर्सनल इंटरव्यू, अब आए लास्ट डे 5 डे 5 मतलब मौत का दिन, ऐसा टाइप का रहता है, आर या पार वाला दिन रहता है, ये दिन भी बोल दिया जाते हैं कि फिर से तैयार हो जाते हैं सुबह सुबह, और तैयार होकर जाएंगे हम तो हमको जो कॉन्फ्रेंस हॉल एक बहुत बड़ा सा रहता है, हमको कॉन्फ्रेंस हॉल में बिठाया जाएगा, और डे 5 के दिन ही पूरे ऑफिसर्स यूनिफॉर्म में रहेंगे, मतलब ऑफिसर के साथ साथ जो भी रहेंगे ना आजू बाजू लोग, बाकी डेज में वो क्या फॉर्मल भी रहते हैं खुद वो कोई रैंक पर नहीं रहते, मतलब इंसान को पता ना चल पाए इसका नाम क्या है, उनके नाम नेम भी रहता है ना नेम प्लेट और कौन सा रैंक है पता ना चल पाए करके ना पूरे फॉर्मल्स में रहते, और डे 5 में पूरे यूनिफॉर्म में आते हैं, तो यूनिफॉर्म में देख के ही इंसान को एकदम डर लग जाता है कि अरे अभी तक तो इसको हम लोग नॉर्मल ड्रेस में देख रहे थे, यूनिफॉर्म में बैठा करके, और आपको कॉन्फ्रेंस में बैठा देंगे बता देंगे आपको कि आज जो है फाइनल डे है, तो नॉर्मल आपको बताया जाएगा कि क्या है खाना वाना नाश्ता यहाँ कैसे लगा है अच्छा है सब की ये सारी बातें होंगी, और आपको बोलेंगे कि अंदर जो है ऑफिसर लोग पूरा आपका डिसीजन ले रहे हैं फाइनल कि आपको अंदर नहीं आना ले, तो आपको करना क्या है जब भी आपको बुलाया जाए ठीक है तो आपको अंदर जाना है और वहाँ पे आपको उनके सामने में बैठ के जो भी आपको पूछना हो बताना, तो उस दिन पूछते कुछ नहीं, PI तो अपना पहले ही हो गया चौथे दिन पर्सनल इंटरव्यू, उस दिन सिर्फ बात होती है, मान लो आप ऑर्डर पे हो कि आपको ले या ना ले डिसाइड नहीं कर पा रहे, ये तीनों कौन कौन इंटरव्यू ऑफिसर IO GTO साइकोलॉजिस्ट ये तीनों डिसाइड नहीं कर पा रहे कि इसको ले कि ना ले, ये आदमी फिट है कि नहीं देना नहीं, तो फिर जब आपको बुलाया जाएगा कि प्लीज से चेस्ट नंबर क्या होगा, तो जब आप अंदर जाओगे ना तो आपको जो है एक सेमी सर्कुलर टेबल बड़ा सा ठीक है, और आप बीच में सेंटर में हो बैठे, और पर्सनल इंटरव्यू में तो एक ही आदमी बैठता है, और उस दिन पूरे टोटल जितने उनके आसपास के एरिया के ऑफिसर रहते हैं ना करीब करीब 15-16 ऑफिसर पूरे बैठे रहते हैं और ड्रेस में, और आप सामने में आप जग बैठोगे तो इतना डर लगता है उसे क्या बताऊँ, बीच में से चारों तरफ और किसी को विश नहीं करना बोले जाते क्योंकि इतने लोग हैं कैसे आपको विश करोगे, शांति जाकर बैठो वहाँ पे लोग थोड़ा नॉर्मल तुमसे बात बात करेंगे क्या है कैसा क्या बाकी टेस्ट वगैरह, और आर्मी में जाके तुम क्या करना चाहते हो,
और मान लो नहीं हो पाता तो क्या करोगे, ये नॉर्मल बात है, ठीक है। फिर उसके बाद उस दिन थैंक यू बोलते जाओ बैठो, फिर उसके बाद उनको एक घंटा बिठाया जाता है रिजल्ट के लिए। उस एक घंटे में कोई किसी से बात नहीं करता, सबका एकदम सट्टी बट्टी गुल। फाइनल जब फिर लेके आता है ना एक साइकोलॉजिस्ट लेके आता पढ़ने, या फिर कोई रहता है जीटीओ, कोई ना एक नए ऑफिसर आएगा लेके रिजल्ट, ठीक है। उस लिस्ट में जो लोग कॉन्फ्रेंस इन हुए, जैसे पहले दिन हुआ था ना स्क्रीनिंग के दिन, लिस्ट लेके आए थे कौन स्क्रीनिंग होगा स्क्रीनर, उसी प्रकार से लिस्ट लेके आते हैं। लिस्ट में जो है जो भी स्क्रीनिंग हुए उन लोगों का पूरा नाम रहता है चेस्ट नंबर के साथ। तो आता है पहले मोटिवेट करता है थोड़ा कि इतना तुम एग्जाम निकाले ना पहुँचे, मतलब बहुत कुछ है, फिर भी मान लो कुछ कारण तुम्हारा नहीं हो पा रहा, पूरा नहीं मानना है, फिर से आना है, फिर तैयारी करना है, अपने बारे में बताते हैं। तो हम लोग बता रहे कि मेरा खुद जो है पाँचवीं बार में हुआ है, तो हम लोग सोच रहे थे ठीक है इसी बात निकल जाएगा। फिर जब लिस्ट पढ़ना चालू करते हैं चेस्ट नंबर ये तो 25 में से सिर्फ 5 लोगों का लिस्ट ऐसे नाम पढ़ते, 25 लोगों का जैसे नाम पढ़े ऐसे ही जो लोग का नाम नहीं था वो लोग हम लोग ऐसे सब बाकी तो जितने भी ना सब देख रहे हैं कि 5 लोगों में भी मेरा नाम नहीं आया, तो और भी शायद नाम लेकर तो आदमी उतने भी रुक गया। तो फिर जितने भी थे जिनका नाम आया नहीं वो सारे के सारे जो है उसी दिन उनको फिर से बोल दिया गया आप लोग आज भी खाना खा के आ सकते। तो 20 के 20 खाली बचे 5, जब 5 बच गए ना वो लोग को फिर से बोला जाता है कि जाओ फिर से नहा धो खा पी लो, उनको जो है इस बार दूसरे रूम में जाया जाता है, मतलब एक छोटा सा बना जाता है क्योंकि उस बार जो तुम्हारा डॉर्मेट्री है ना वहाँ पर दूसरे बैच आ जाएगी, इसलिए तुम दूसरे रूम में ले जाया जाता है एक साथ रखा। तो वहाँ पर 5 लोग को फिर बोला जाता है कि अब तुम्हारा दूसरा चेस्ट नंबर मिलेगा, उस दिन चेस्ट नंबर जो मिलता है उसको प्लस नहीं मिलता है, प्लस के बाद मेडिकल ग्रुप। तो आदमी का कॉन्फिडेंस बढ़ने के बाद इतना वो आदमी बिंदास हो जाते हैं हम लोग कि मेडिकल के लिए फुल जाएंगे, मतलब बताया जाता है कि तुम्हारा 5 दिन मेडिकल चलेगा, जिस दिन जो है तुम्हारा सर्जरी डिपार्टमेंट जाओ, जिस दिन डेंटल डिपार्टमेंट, जिस दिन आई डिपार्टमेंट, जिस दिन ये डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट करके ऐसे 5 दिन का एक डिपार्टमेंट, और MH में होता है मिलिट्री हॉस्पिटल में और एक दिन में एक ही डिपार्टमेंट का। तो हम ऐसा भी रहा है कि जैसे अंदर का पूरा सिस्टम का रहता है, ठीक है, पेट वेट के जानने का कि कुछ कुछ बीमारी रहती है उनको भी पता नहीं है, ऐसे ऐसे बीमारी का वहाँ फिलहाल वो हो जाता है, चेक हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग पेट का जिस दिन था ना उसमें बोल दिया गया था कि सुबह से तुम लोग पानी तक नहीं पियोगे, सिर्फ खाना पीना पानी कुछ नहीं, नहीं तो बोलते हैं कि खाना ना खाओगे नहीं आता अच्छा, पता नहीं हम लोग ऐसी बिंदास ऐसी बिना खाए पिए हम लोग को ले जाया गया वहाँ पे बैठे 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 सुबह से लेकर शाम तक पूरा बैठे बैठे एक एक चीज़ का पूरा ठीक, मतलब फिर लास्ट में जो है जैसे बाद में मेडिकल होगा उसके बाद लास्ट में आपको बताया जाएगा कि आप मेडिकल ही हुए कि मेडिकल हो, आप मतलब मेडिकल होते जाते फिर आपको भेज दिया जाए, अब मेडिकल ही होते हो ना तो आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, बोला जाएगा ठीक हो गया आपका, अब आप लिस्ट का भेजा मेडिकल मेरिट लिस्ट, उस दिन आपको छोड़ा जाता है, ठीक है। टोटल 10 दिन मान के चलो आप वहाँ पर रहोगे, उसके बाद आप निकलोगे, उसके बाद करीब करीब आप SSB सभी का बैचेस कंप्लीट होगा ना उसके करीब करीब 2 हफ्ते के बाद मेरिट लिस्ट बनती है, मेरिट लिस्ट के बाद फाइनल NTA का रिजल्ट SSB के साथ, उसमें अगर आपका नाम आ गया 400 लोगों में तो फिर आप सेलेक्टेड हो, आपका तुरंत आता है ज्वाइनिंग लेटर, ज्वाइनिंग लेटर उसमें आपको पूरा डिटेल दिया रहता है कि अकेडमी ज्वाइन कैसे करना है, कब करना है, क्या क्या कपड़े चाहिए, अगर नहीं आता उस मेरिट लिस्ट में ना तो आप खत्म आपकी जर्नी समझे, तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक जर्नी करनी है। सो जो अभी तुम लोग से नोटिफिकेशन आया फॉर्म भरे, तो अगर यहाँ से हाथ की जर्नी करना चाहते हो तो अपनी तैयारी कम कस से करो और हर एक स्टेज में अपने आप को मजबूत कर रहा है, स्टेजेस तुम लोग को बता दिया ताकि तुम लोग को पता रहे, मेरे को पता नहीं था सही में क्या स्टेजेस होते हैं, ना ही कोई बता रहे, ठीक है, कोई भी नहीं बता पाया तुम जो गया है कोई जानता है, तो जो भी वहाँ पे स्टेजेस उसके हिसाब से अपने आप को डेली जो जो चाहिए अपने आप को डेली उस चीज़ पर काम करें, जैसे वहाँ पे लेक्चरेट होता है तो तुम बोलना नहीं चाहते तो लेक्चरेट क्या करता है, प्रोडक्शन ग्रुप टास्क होता है तुम सोच नहीं सकते कि इसको कैसे सॉल्व करें, इस प्रॉब्लम कैसे कर पाओगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें अपना डेली जैसे न्यूज़पेपर पढ़ना, टीवी देखना, जो PI राउंड होगा PI राउंड पूछेगा इंसान जो भी इंटरव्यू ऑफिसर रहेगा कि यहाँ का राजधानी क्या है, यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे क्या करंट अफेयर्स चल रहे हैं, तो तुमको पता ही नहीं है, न्यूज़ ही नहीं पता है कुछ क्या चल रहा है देश में, कैसे बता पाओ। तो इस प्रकार से तुम लोग अपनी तैयारी कर सकते हो, टाइम में बहुत ज़्यादा, ठीक है, हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं है अभी टाइम में, सिर्फ 3 महीने पेपर के लिए समझे, तो 3 महीने में तुम लोग एकदम कड़े से पेपर प्रैक्टिस करनी है और NTA एग्जाम, उसके बाद बाकी का SSB, ठीक है।